अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। नहीं भाई जान, ये लाबा जो रुचि है ना, जीरो 20 नंबर की जो चरखी है, वो भाई कह रहे थे कि यार आप इसकी मेकिंग की अगर वीडियो बना दें तो क्या ही बात है। ये भाई जान चरखी फुल हो किस तरह होगी? ये कलर है जोर से अभी लग रहे हैं, इनके ऊपर अभी लेयरिंग होनी है। ठीक है, इनको जो है ना 3 दिन से तकरीबन धूप लग रही है, 2 से 3 दिन से। आज जो उनसे कलर लग रहे हैं वो ये कलर लग रहे हैं, तो ये बहुत सारे कलर लोन से इसके अंदर लगवा रहे हैं। जनाब अभी आपको सारा प्रोसेस दिखाएंगे कि ये कैसे सारा कुछ तैयार हो रहा है, कैसा मटेरियल इसमें चल रहा है और किस तरीके से ये काम वर्किंग कर रही है मशीन। कलर आप दोबारा देखें, बहुत ही शानदार कलर है और लगवाई बहुत ही आउट क्लास लगवाई है। ये 20 नंबर है KFRS, जो काफ़ी टाइम पहले जो उनसे है ना कस्टमर डिमांड कर रहे थे, जो तकरीबन 6 महीने हो गए या साल हो चुका हुआ है, जिसके लोग अब डिमांड कर रहे थे। ये भैया ये देखें, ये स्पेशल मटेरियल जो उनसे है ना डाल के ऑरेंज कलर के अंदर जिसको मिक्सिंग करेंगे आप। ये पहले जो धागा है पहले लच्छों में आता है, उसके बाद इसे पहले जो हमारी एक वीडियो अगर आप वो देखेंगे तो आपको सारी डिटेल समझ आ जाएगी। बोरी के बाद इसको हम इस चरखी के ऊपर लपेटते हैं। चरखी पर लपेटने के बाद ये इस तरीके से इन सुराखों से गुजर के, तो ये इन सुराखों से होती हुई इसमें मटेरियल डाला जाता है। जैसे ये भी साजी ने मटेरियल डाल दिया अंदर, ये अंदर इसमें डाल दिया जाता है। ये अगर आप दिखाएं तो ये है, यहाँ से केमिकल अंदर जाती है और इस साइड से ये फोम लगे होते हैं, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा केमिकल होती है जो दाना ऊपर आ जाता है वो इसके ये चीज कवर कर रहा होता है। ये दो फोम है इसकी, अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं तो ये प्रोसीजर चल रहा होता है। जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, इजाफी मटेरियल है, वो इन फोमों ने इसको क्लियर कर लेना होता है। इसी तरह वो लगा हुआ है, ये तकरीबन जो है ना एक टाइम में 40 चरखियाँ जो सी रेडी हो रही हैं। ये सारी केमिकल जो है ना वो आगे जाके चरखी पे लिपट रही है। जो इसके नीचे खाली चरखियां जो यूज हो रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, वहां से उस प्रोसेस से ये केमिकल और धूप की पोजीशन आप देख सकते हैं, फुल तेज धूप है और जिसमें खाली चरखी यूज हो रही है वो ये खाली चरखी है। आमर खब्बे की मेकिंग है ये, पीछे आवाज आपको आ जाएगी आमर खब्बे की भी। ये खाली चरखी इसमें यूज हो रही है।
तकरीबन एक दिन के अंदर बड़ी मुश्किल से 80 चरखी तैयार होती है। मेरा ख्याल है इससे इसके बाद जो उनका प्रोसेस है इसकी वीडियो मैंने पहले डाल दी है, और ये जो प्रोसेस है ये आपने अब सारा देख लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आइटम तैयार करेंगे उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।